खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। शहजाद अकबर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ नए इल्जाम भी आयद किए चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से शरीफ खानदान पर। अच्छा अब अंजलि साहब ये बताइएगा, ये बिल्कुल ठीक है कि चोरी पाकिस्तान के आवाम के माल की हुई है तो एक एक पाई वापस आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने पूरी एक एक मिनट बराए रास्त देखी, उसके फौरन बाद जो सवालात हुए, और ये ऐसा पिछले 6-8 महीने पहले नहीं होता था, अब ये होना शुरू हो गया है कि उसके फौरन बाद सवालात ये हुए कि सर आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक है, आप मुकदमात करें, किसी चोर को ना छोड़ें, लेकिन मसला ये है कि आटा इतने का है, रोटी इतने की हो गई है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं, कुछ करें इसका। और 2-3-4 सवालात यही हुए, पहले जब हम लोगों में जाते थे तो आज से 6 महीने पहले माहौल नहीं था, अब लोग ये कहते हैं कि भाई हमें पता है कि वो चोर है और वो डकैत है, मत छोड़ो उस चोर को, उस डकैत को, लेकिन खुदा का वास्ता है, महंगाई का कुछ करो। यानी आपको ये नहीं लगता कि ऐसा सा तासुर अब ये बनता जा रहा है कि ठीक है ये सारे बुरे हैं, तभी तो उन बुरों को हमने रिजेक्ट करके आपको लाए, लेकिन अब हमें ये कम बताएं कि वो कितने बुरे हैं और हमें ये बताएं कि आपने क्या किया है, भाई आप कितने अच्छे हैं, आपके आने के बाद जो है वो आवाम की जिंदगी किस तरह बेहतर हो रही है। वसीम ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये जो गवर्नमेंट गवर्नेंस और गवर्नमेंट होती है ना, वो कोई वन उसका ठीक है एक मंशूर का एक कोर पॉइंट होता है जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है, और हम ये एस्टेब्लिश भी कर चुके हैं कि ऑब्वियसली अगर आपकी आमदनी 5,000 है और आपके ऊपर कर्जा जो है वो 5 करोड़ रुपए का है, तो देर इज़ नो रूम फॉर यू, फिजिकल स्पेस ही नहीं है आपके लिए कुछ करने की, और आपके पास दो ही तरीके कि आप कर्ज लें, स्पेस लें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इम्पोर्ट्स कम करें, और फिर जाके टैक्सेस कम करें, जिसके अंदर 2 साल लगेंगे, और अवाम को इन्हीं लोगों की जो कर्जे हैं अभी 10.5 बिलियन तो हमने इन्हीं का वापस किया, करंट अकाउंट डेफिसिट हमें मिला तारीख का 19.5 बिलियन डॉलर, तो ये 31 बिलियन डॉलर तो सारे हमने पिछले पे करने थे, कहाँ से करते, एक्सपोर्ट्स कोई बटन दबाने से तो नहीं बढ़नी, टैक्स कोई बटन दबाने से नहीं बढ़ना, अभी के 8 लाख टैक्स पेयर बढ़ा है जो कि तारीख ही है, लेकिन फिर भी ये जो इन्फ्लेशन है बिल्कुल सही बात है, ये पिंच कर रही है, और ये इन्फ्लेशन जो है इसको कम होते, अभी आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी देखी, फिच की भी देखी, उन्होंने कहा कि ये 12% होगी, उसके बाद ये अगले साल 8 या 9% होगी, और फिर जाके तीसरे साल ये 6% होगी, तो ये मुश्किल वक्त है, लेकिन जब भी आप निज़ाम को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस आएगी, लोग खड़े हो जाएंगे, अच्छे भले लोग भी खड़े हो जाएंगे, देखिए डॉक्टर्स खड़े हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब उनको कहा गया कि जी आपने 9 बजे से लेकर 4 बजे तक प्राइवेट प्रैक्टिस पब्लिक हॉस्पिटल्स में करनी है, MTI एक्ट लाने की लाए हम, तो वो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, और हम ये मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसे रहेगा, या इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अकाउंटेबिलिटी छोड़ देनी है और इन्फ्लेशन पकड़ लेनी है, या इन्फ्लेशन छोड़ के अकाउंटेबिलिटी पकड़नी है, ये सब मसले हैं, और गवर्नेंस और गवर्नमेंट को इनको डील करना है, वक्त लगेगा लेकिन इसके अंदर कमी पेशी होगी। लेकिन ओके, अब क्योंकि लोग फिर ये सवाल भी करेंगे ना कि हर चीज़ का तो ताल्लुक शायद पिछलों से नहीं होगा ना, मसलन अगर वीट की मिसमैनेजमेंट हो गई है और आप 29 रुपये पे जो है वो पहले एक्सपोर्ट करते रहे और 69 रुपये पे वही वापस लाते रहें, तो ये मिसमैनेजमेंट तो इसलिए नहीं हुई है कि फ़लाँ चोर था या फ़लाँ डकैत था, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें गवर्नेंस से रिलेटेड भी तो इशूज़ हैं ना। लेकिन अपना राना मशहूर साहब मैं मुंतजर हूँ, आपने जिस खबर का हवाला दिया है उसका, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज एक और बात भी कही है कि भाई इमरान खान साहब और ये शहजाद अकबर साहब ये मेरे बारे में इतनी बातें करते हैं तो मैं इन पर भी लंदन में मुकदमा कर दूं अगर ये इस बात पर अग्री करें तो, ताकि चूंकि पाकिस्तान में तो इस तरह के मुकदमात का फैसला होने में टाइम लग जाता है, वो क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने एग्जैक्टली जरा देखिएगा। इमरान खान न्याजी अगर चाहें, अगर वो चाहें उनसे पूछ लें आप कि वो अग्री करें डेफामेशन, तो मैं उनके जितने भी मेरे खिलाफ इल्जाम उन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान में शहजाद अकबर इमरान खान and they say the right to British court that we will have no issue about jurisdiction, please proceed against in these cases, I'll be happy. वो कह रहे हैं शहजाद अकबर इमरान खान कहें तो मैं उनके खिलाफ ये सारे मामला बरतानी की अदालत ले आता हूँ। शहजाद अकबर साहब बारहा ये बात कह चुके हैं, आज रात 8 बजे भी उन्होंने बात की है कि जाएं मेरे खिलाफ भी जाएं बरतानी।